चुनौती दे दो। मैं अपनी भूलभक्ति का परिचय देके अकाल तुझे लज्जित कर दूंगा और तेरे बनाई बनाया जाल जो कर्मों का है मैं इससे निकलने के लिए तपस्या कर रहा हूं। गुरु के आदेश का पालन गुरु भक्ति कितनी सरल है लेकिन आप नहीं समझ पाते। तुम्हारा मन इतना शैतान है वो किसी परेशानी को उठाना नहीं चाहता और बगैर परेशानी के कोई चीज मिलती नहीं। किसी चीज को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और आपको खोना भी कुछ नहीं है केवल भीगना है। अरे भीग है तो काम बन गया। एक बार सराबोर हो जाओ तो ये जितनी गंदगी कर्मों की ये सब उतर जाएंगे। ऐसे थोड़ी आपको ले आया और कुदरत से कहा गया बड़ी थोड़ी सी बरसात के तो ठंडक बनी रहे। ये कलयुग के कमजोर जीव है ये धूप गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपके लिए कुदरत माहौल बना रही थी। बात नहीं सुना तुम्हारी समझ में आ रहा है क्यों हो रहा कितनी बीमारियों का अंबार लादे बैठे हो कितने पाप कर्मों के पहाड़ के पास चढ़ाए बैठे हो और तुम्हारे पास कोई ऐसा कर्म नहीं जिससे वो पाप गंदगी उतर जाए। यह छोटी मोटी परीक्षा है भीगने की। भीग लो शराब और हो जाओ सब गंदगी उतार दो अपने घर को चले जाओ लेकिन इशारे को समझना चाहिए। आप पिछली तमाम तिथियों में सत्संग सुने हो कुदरत से कह दिया नहीं कोई बारिश थी लेकिन इसी तिथि पर नहीं कहा गया यह तिथि बारिश की ही है यह पर्व ही बारिश का। ये भादो महीना घनघोर बारिश का है और इसी घनघोर बारिश में वो अत्तारी शक्ति ने जन्म लिया था और घनघोर बारिश में ही उसको जो जेल में पैदा हुआ वहां से नारद जी ने कहा इसको हटा दो जल्दी रातों रात नहीं मार दिया जाएगा। रातों रात बसदेव जी घनघोर बारिश में सिर पे रख के जब जमुना जी को अंदर प्रवेश किया तब जमुना उमड़ पड़ गई। इतना उमड़ गई कि उस कृष्ण के दर्शन दे कि आज अवतारी शक्ति आई है धरती पर से पाप और पापाचारियों को विनाश करेगी धर्म की स्थापना करेगी भक्तों की मदद करेगी। इसलिए दर्शन के लिए उमड़ी थी। आज वो जब वर्षा का दिन है तो आप इस बारिश से डरते क्यों? अरे आप तो सूरवीर हो गुरु के भक्त हो तुम्हें तो काल को चुनौती देनी चाहिए कि मैं सम्राट मालिक की शरण में हूं तो मेरा कुछ नहीं कर सकता अब उसके लिए मैं कोई परेशानियां कोई मुसीबत दिक्कतें उठानी पड़े लेकिन मैं गुरु भक्ति क्या होती है ये दिखा देंगे यही आपको दिखाना है। और आपका ये भीगने वाला दृश्य इंटरनेट से सारा विश्व देख रहा है कि कैसे गुरु के दीवाने इतनी भीषण बारिश में बैठे रह रहे हैं बैठे सत्संग सुन रहे हैं। तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है लेकिन तुमने अभी गुरु भक्ति का रस नहीं चखा। अगर रस चखा होता तो गुरु भक्ति में तो लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया लेकिन तुम्हारे से कोई कुर्बानी तो नहीं मांगी जा रही। यह जरूर है कि बड़ी चीज पाने के लिए कोई छोटा हो जाता तो त्याग करना ही पड़ता है। आज यह पर्व सारे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय पर्व के नाम से वो अवतारी शक्ति जो द्वापर
कि लोगों को सुख शांति देने आई थी। इस धरती पर से पाप और पापियों अत्याचारियों का सफाया करने आई थी। ऐसे धर्म की स्थापना नहीं होती है। भगवान राम ने भी धर्म के लिए रावण से लड़ाई लड़ी और भगवान कृष्ण ने धर्म के लिए महाभारत किया। उसी महाभारत के निर्णायक का ये जन्मदिन है। वास्तव बारिश कर सकती है, बरसात नहीं होनी, इसी तिथि का महत्व खत्म हो जाएगा। काल शक्ति की जो महिमा गौरव गरिमा है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रेमियों, जब ऐसा खराब समय आता तो उस खराब समय से बचने के लिए, बचाने के लिए जो शक्तियां आती हैं उनको अवतारी शक्ति कहते हैं। तुम्हारे यहां 10 अवतार हुए, कक्ष मक्ष 12, नरसिंह, बामन, परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध और मोहम्मद साहब, ये 10 अवतार हैं। लेकिन संत महात्माओं ने क्या कहा, 10 अवतार काल के जानो। ये काल अवतार, काल माने जो माफी न दे, पाप कर्मों की सजा सुना दे, सबको दंड दे, काल शक्ति होती। और दयाल शक्ति माफी देती, पाप कर्मों में माफी कराती है, क्योंकि वो जीवात्माओं को जगा के उसके घर पहुंचाने के लिए आई है। और काल शक्तियां केवल समाज का सुधार, आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं, आत्मा की कोई जानकारी उनको नहीं है और आत्मा का कोई अधिकार उनको नहीं दिया गया। इसलिए दो प्रकार के अवतार, एक काल अवतार, एक दयाल अवतार। काल अवतार में रामकृष्ण, दयाल अवतार में संत महात्मा भक्ति राखी, और दोनों अवतारों का अपना अलग अलग काम है। आप तो केवल परिचय आपको दिया जा रहा उस काल अवतारी शक्ति की, और लेकिन उसने समाज सुधार के सिवा कोई काम नहीं किया। सुधार के लिए उसको संघार भी करना पड़ा। जब लोग नहीं माने, पहले तो समझाया गया, कहा साम दाम भेद और तन चार नीतियों का प्रयोग किया। पहले सबको समझाया, अरे भाई सब लोग धर्म पर आ जाओ, धर्म की तरफ मुड़ जाओ, सच्चे ईमानदार बन जाओ, माँ बहन बेटी पहचान कर लो, ये सब सिखाया। जब इस पर भी जो लोग नहीं माने तो दाम यानी लालच किया, अगर आप मान लोगे तो राजपाट मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगी, तुम राजा महाराजा बन जाओगे, धनी मानी बन जाओगे। इस पर भी जो लोग नहीं माने तो भेद नीति, कहा देखो रावण नहीं माना क्या दशा हुई, जरासिम नहीं माना क्या दशा हुई। इस तरह से जो समय की अच्छी नेक भली सलाह को नहीं मानती उनका परिणाम खराब होता, विनाश होता। इस पर भी जो लोग नहीं माने, अंत में उनको दंड नीति अपनानी पड़ी। उसी दंड नीति को चाहे राम रावण संग्राम कह लो, चाहे महाभारत कह लो, यह है दंड विधान। जब दंड विधान को भी लोग भूल गए और उन काल शक्तियों की आने का कारण भी, उनके देने वाले लाभ को भी भूल गए और गुरुओं को भूल गए और संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत सच्चा सत्रो निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत्यु लोक मंडल पर खुद आ गया। खुद आया, जब कोई किसी की बात नहीं मानी तब मालिक को खुद आना पड़ा। चलो इनके लिए कोई व्यवस्था बनाएंगे, इनकी जीवात्मा को जगाया जाए, परमात्मा से मिलाया जाए और अपने नाम जहाज पर बैठा कर इनको सच्चे जो अनामी महाप्रभु धाम वहां पहुंचाया जाए। रघो इसके लिए सब हुआ। आज की तिथि समाज देश के लिए कितनी अच्छी,
समाज देव धर्म के लिए ये तिथि बहुत अच्छी है, लेकिन जीवात्मा के लिए कुछ नहीं। वो इस काम के लिए आए नहीं थे, न इनको अधिकार था न इनको जानकारी थी, क्योंकि ये बीच के लोग से आए थे। कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी यानी अस्त जल कमल से जो शक्ति आती है उसको उसको ये मान, और रामनवमी उन नौ द्वारों से बाहर नहीं पाए, दसवें तक नहीं पहुंच पाए थे, नौ द्वारों की शक्ति आई थी उसको नवमी में, ये अष्ट दल कमल से आई इसको अष्टमी में कहा गया। अब अष्ट दल कमल से जो शक्ति आती है वो थोड़ा नौ द्वारों से जो शक्ति राम उससे थोड़ी ऊपर के आई, ये थोड़ी बड़ी शक्ति प्रकृति लोक से आई थी, यानी प्रकृति इनके साथ थी। ये प्रकट पुरुष भी कहा है, इनको प्रकट पुरुष भी कहा गया कृष्ण को, लेकिन दोनों शक्तियों का काम केवल समाज का सुधार, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद, बस इसके अतिरिक्त इनका कोई काम नहीं था। और संसार समाज के लिए इतना चाहिए, लेकिन आत्मा का उद्धार कैसे होगा, आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी, आत्मा अपने घर कैसे पहुंचेगी मालिक प्रीतम के पास, वो व्यवस्था संत महापुरुषों के पास, वो दया शक्ति करेगी। इसलिए भारत भूमि पर दो शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, काल और दया, और दोनों का काम अलग अलग, लेकिन दोनों समाज के हित में तो रहे, लेकिन संत समाज का सुधार और आत्मा का उद्धार दोनों काम तो नहीं आए, इसलिए वो अभी कर लोगे। और सारी शक्तियां तो हर युग में आती जाती है, तो समाज देश का सुधार होता रहा, लेकिन जीवात्मा का उद्धार नहीं हुआ, तो जीवात्मा भी शायद फंसी पड़ी नहीं। अब जीवात्माओं की चिंता उसको है, जैसे घर वाले को घर वाले की चिंता होती, पड़ोसियों को चिंता थोड़ी होती। इसलिए सतलोक से मतलब यानी जो संत महापुरुष सतलोक से आते जाते हैं, उन्होंने जीवात्माओं को जगाया और जगा के खड़ा कर दिया, और कुछ को तो अपने साथ सतलोक तक ले गए, क्योंकि सतलोक से आना जाना रहेगा, अगर जीवात्माएं जाएंगे नहीं फिर आएगा तो। लेकिन संत बोध में सतलोक से आती जाती नहीं थी, लेकिन जो अनामी धाम प्रभु धाम पहुंच जाएगी वो वापस कर नहीं आएगी। इसलिए अब की बार अनामी महाप्रभु अति दया कृपा मेहरबानी करके इस मृत्युलोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को जगाकर और प्रभु नाम में लगाकर और प्रभु नाम का जहर लगाया। कहा था बच्चा आपकी बात जय गुरुदेव प्रभु नाम का, मैंने इतना बड़ा जहाज लगाया है कि अगर सारी दुनिया मेरे जहाज पर बैठ जाए तो एक कोना भरेगा, एक कोना केवल भरेगा, इतना बड़ा जहाज है। लेकिन सब भर कैसे जाएंगे, क्योंकि बैठने के लिए पात्रों पात्रता चाहिए, निर्मलता पवित्रता चरित्रता सब चाहिए। तभी कहा नाव लगाई सत्य की गुरु ने, लेकिन चल बैठे कोई सूर, कोई सूर भी बैठेगा, जिसको अपने घर जाने की चिंता अपने घर जाने की फिक्र रात्रि उसी में लगा है वो घर पहुंचेगा। जो केवल दरबार में आ गए लेकिन संसार की मांग है, शरीर के भोगों की मांग है, ये मिल जाए वो मिल जाए, धन दौलत रुपया मिल जाए, बाल बच्चे पर पत्नी मिल जाए, मान सम्मान अधिकार मिल जाए, तो अभी इसी चिंता में होता। तुम अभी चलने की तैयारी में कहा, तुमको ये नहीं मालूम वहां चलने की तैयारी क्या की जाती, किस सामान की जरूरत पड़ती है। जब कहीं जाते हो तो तैयारी करके जाते, लेकिन जब अपने घर जाना है कोई तैयारी शुरू की आपने,
अभी तुमको नहीं मालूम कि इसमें तैयारी ही क्या की जाती। तो धीरे 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 सत्संग वचनों से सुना सुना कर पहले काल की वस्तुओं से छुटकारा दिलाया जाएगा। जब काल के सामान जो पकड़े हो वो जब छूट जाएगा तब सामान तुम पकड़े हो कहते संसार को पकड़े। अरे भाई संसार सबको थोड़ी पकड़ेगा। जैसे एक बुढ़िया अपने छत पर चले सुखा रही थी, मिट्टी की हांडी से चना थोड़ा सा निकाला और बाकी उसी में मिट्टी में हांडी में और नीचे कुछ काम करने चली गई। तब तक एक बंदर आ गया, उसने फट से हाथ डाला मिट्टी की हांडी में और चनों को ऐसे मुट्ठी से भर लिया। अब वो निकाल रहा तो हाथ नहीं निकल रहा, पहले डाला था खाली हाथ था, अब चने भर लिए तो खाल मोटा हो गया। अब वो निकल नहीं रहा, बार बार कह रहा इस हांडी ने मेरा हाथ पकड़ा, इस हांडी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये नहीं समझ रहा कि मैंने ही चने पकड़े हैं, हांडी ने नहीं पकड़ा। ऐसे तुम संसार संसार के भोगों को पकड़े हो, कहते समाज पकड़े हैं, परिवार पकड़े हैं, ये पकड़े वो पकड़े। अरे तुमको किसी ने नहीं पकड़ा, तुमने सबको पकड़ा। अब तुम्हारी पकड़ ऐसी हो गई तुम अब ढीली नहीं करना चाहते, बंदर की तरह पकड़े बैठे हो लालच में। तो जब तक पकड़ ढीली नहीं होगी तब तक काल के जाल से आप कैसे निकलोगे, छुटकारा कैसे आपको मिलेगा और तुम अपनी जीवात्मा को कैसे जगाओगे, कैसे परमात्मा से मिलाओगे, कैसे करोगे। यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी, इसीलिए 60 साल आपको यही सिखाया, यही पढ़ाया गया, सुनाया समझाया कराया गया कि किसी तरीके से संसार को और अपने को समझ लो। हाँ ये जरूर है, जैसे नाव बगैर पानी के नहीं चल सकती, बात सच्ची है। लेकिन अगर स्थिति उलट जाए, पानी नाव में भर जाए तो नाव डूब जाते। अगर तुम्हारी स्थिति बगैर संसार परिवार के आप नहीं रह सकते हो, लेकिन परिवार संसार अगर तुम्हारे में घुस गया तो तुमको डूबो देगा। इसलिए चालाकी होशियारी के साथ, जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है और एक किनारे बैठ के खाती रहती है, एक जंगली और दूसरी मक्खी उसने देखा रही तो शहद खा रही है, फट से आई एकदम शहद के ऊपर बैठी, उसी में चिपक गई रह गई मर गई। कहने का मतलब है ये भोग शहद की तरह, अगर भोगों का रस लेना तो दूर भटक जाए। समयानुसार समयानुकूल जरूरत आवश्यकता पर जो भोगों का प्रयोग करता है वो चतुर बनती है, बहुत बुद्धिमान है। जरूरत पड़ी जब प्रयोग कर लिया बाकी छोड़ दिया। लेकिन तुम ऐसे चिपके पड़े हो कि अब छुट्टी नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारा छुटकारा कैसे होगा। ये सब उदाहरण दृष्टांत महापुरुषों ने इसीलिए रखे थे कि भाई इन जीवों को समझाया कैसे जा, इनको जगाया कैसे जा, इनमें बुद्धि में विवेक ज्ञान कैसे पैदा किया जाए, उसके लिए आप बड़ी जानकारी दी। प्रेमियों आज राष्ट्रीय धार्मिक पर्व है, सारे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता, लेकिन मनाने की विधि नहीं मालूम, न मनाने का इनको कारण मालूम है कि मनाया जाता है कि आप अपने आप को फंसाया जाता है। मनाने का मतलब ये है, मनाया किसको जाए, जो सामने जिंदा हो, जिंदे को मना सकते हो काम करा सकते, लेकिन अगर पत्थर कैलेंडर को मनाने ये भूल है, वो भूल है। चेतन को मनाया जाता है लेकिन मुर्दे को नहीं। तो ये तिथियां केवल जानकारी की थी कि वो कृष्ण कृष्ण कष्टों का हनन करने वाला कृष्ण कष्टों का हनन करने वाला
जो अष्टदल कमल से शक्ति आई थी उसने धर्म के स्थापना के लिए बड़ा मेहनत बड़ा परिश्रम बहुत जीवों को समझाया लेकिन कोई नहीं माना। जब कोई नहीं माना तो बेचारे मजबूर हो गए। उसी मजबूरी में उनको 18 दिन का एक नाटक जिसको आप महाभारत कहते हो करना पड़ा और सबकी समझ में आ गया। कर्म समझाते रहे 200 वर्ष तक तो किसी की समझ में नहीं आया लेकिन जब उन्होंने नहीं माने तो अपनी भूमिका बना दी समझाने वाली। वो भूमिका क्या है? मारकाट, मारकाट हिंसा, खूनी क्रांति। जब खूनी क्रांति छेड़ी तो सबकी समझ आ गया। अब समझते हो गया तो तुम्हें शरीर नहीं था। सब 56 करोड़ एकदम सफाया हो गया। पहली 56 करोड़ वो समझा रहे थे, अरे भाई मान जाओ मान जाओ, मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। उस समय का यदुवंशी कहते जा जात का ग्वाला, गाय चराने वाला माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। तेरी कौन बात मानेगा? प्रश्न को बहुत अशब्द कटु शब्द बोले, बड़ी निंदा आलोचना बुराई इन मतलब यदुवंशियों ने किया। और एक बात नहीं मानी तो उनको मजबूर लाचार होकर ये महाभारत करना पड़ा जिसमें 56 करोड़ का सफाया। ये कौम का सफाई का इतिहास बचने का इतिहास चलेगी। अब कलयुग में एक अवसर मिला तब भी यही कौम आगे खड़ी है, यही कर रही सब। और इसी का ये सब किया हुआ मथुरा का खेल है। जितना खेल सब इसी ने किया अपने लाभ के लिए, अब धीरे धीरे इनका सफाया हो रहा। ये सब सफाया हो जाए कुछ नहीं बचेगा, अपने आप खाली हो जाएगा मथुरा। मथुरा खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप खाली हो जाएगी। आप सिर्फ देखते रहिए, सत्संग सुनते रहिए। पहले आपसे कहा गया था कि बच्चा सत्संग करते करते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल जानकारी को सत्य सत्य अच्छे बुरे पापन शुभ शुभ की जानकारी इनको मिल जाएगी। ये जानकार हो जाएंगे, अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, इनका काम हो जाएगा। और जो नहीं मानेंगे वो दरासाई हो जाएंगे, वो तो कुदरत अपना काम करेगी। क्योंकि संत महापुरुष तो दयालु है, वो तो दया करने आए, वो बचाने आए हैं, क्षमा करने आए, माफ करने आए, न श्राप देने आए, न दंड देने आए, न विनाश करने आए। लेकिन जब महापुरुषों की बात आप नहीं मानोगे तो ये चार्ज कुदरत को दे दी, फिर कुदरत नहीं बच सकी आप। इसलिए आज धार्मिक पर धार्मिक देश की महिमा गौरव गरिमा है। आज भी हम आप कोई काम करते हैं, चाहे संसार का हो, शरीर का, परिवार का, खेती दुकान दफ्तर व्यापार का, सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता इष्ट परमात्मा खुदागार भगवान गुरु का नाम लेकर ही करते। ये धार्मिक देश की परंपरा एक पद्धति है। उससे तो आपने किसी को देखा नहीं, न राम को देखा न कृष्ण को देखा, और जन्म दिवस मना रहे। अरे जब तुम्हारा बेटा पैदा होता है, बेटा सामने रहता है, तभी तो जन्म दिवस मनाते हो। और जिनकी जन्म तिथि आज मनाई जा रही उनको तो गए लखों बरस हो गए, फिर भी उनकी यादगार हो और जिंदा समझ के यादगार, मुर्दा समझ के नहीं मनाया जा रहा। जिनके बारे में जानते हो कि कृष्ण को बहरिये ने जब तीर मारा और पैर छन्नी हो गया, बस वहीं से उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी और चले गए हैं। लेकिन फिर भी आज उनकी उनको जिंदा मानकर ही पूजा हो गई। लेकिन जो सदगुरु तुम्हारे काम के लिए तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार, शरीर के सुधार और समाज के सुधार के लिए आया, और अभी उनके बारे में कोई जानकारी किसी को, कोई मौत का प्रमाण नहीं किसी के पास,
और फिर भी आज लोग मुर्दा कहते हैं, अपने गुरु को मुर्दा, जिनको देखा नहीं उनको जिंदा, और जिनको देखा कर लिया उनको मुर्दा। मानसिकता देखिए मेरे कलयुग के जीव की, ये कितने बड़े सजा पाने के अधिकारी भविष्य में बनेंगे। इनको नहीं मालूम है जब सम्राट मालिक तुम्हारे सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे आंखों का पर्दा हट जाएगा, तो बताइए इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। इतनी बात छोटी तो आपको समझनी चाहिए, और जब समझ जाओगे तो कम हो जाएगा। इसलिए धार्मिक पर्व की महिमा और नाम की महिमा दोनों को ध्यान में रखते हुए पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप सब लोग बोले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, हम सब जीवों के आधार, हम सब जीवात्माओं के आधार, परम पुरुष स्वामी महाराज आज ही धार्मिक पर्व पर देश के कोने कोने से तमाम प्रांतों जनपदों शहरी ग्रामीण अंचलों से आए समस्त सत्संगी प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, भक्तों, गांव में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं बहने पुरुष, देवी देवता मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, ये बड़े सौभाग्य का दिन है जो आप एकता आध्यात्मिकता धार्मिकता के सूत्र बंधन में बनकर पासी जंगल में आप एकत्र हुए। यह है गुरु की दया और गुरु की भूमिका, उनकी मेहनत परिश्रम का एक छोटा सा नजारा ही नहीं। हिंदुस्तान में कोई राजनीति नेता पार्टी इतने लोगों को ऐसी भीषण बारिश में निस्वार्थ जंगल में इकट्ठा नहीं कर सकता। ये काम किसी के वश का नहीं है, और कोई धार्मिक मिशन जो हिंदुस्तान में हजारों से ऊपर, वो भी बिना चंदा सेवा निस्वार्थ इतने लोगों को जंगल में इकट्ठा नहीं। यह अभूतपूर्व दृश्य है, समय का अनोखा विलक्षण दृश्य है, जो इतिहास में कहीं आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये कलयुग का इतिहास, इसलिए कलयुग का इतिहास अनोखा ही होगा। उस अनोखे के आप भी एक पात्र हो, आज बैठे हो भीषण बारिश, घर से लोग नहीं निकलते, चिड़िया घोंसला नहीं छोड़ती है, और तुम बाल बच्चों को घर गृहस्थी परिवार खेती दुकान दफ्तर मजदूरी को छोड़ करके आज इस गुरु भक्ति करने आए हो कि गुरु की भक्ति क्या है, गुरु की भक्ति से शक्ति क्या मिलती है, मुक्ति। वो शक्ति ताकत जिससे मुक्ति मिल जाती है, वो केवल सतगुरु के पास, किसी के पास जब उसको लेने आए हो, तब किसी चीज को पाने के कितना, जब कोई अच्छी चीज अमोलक मिल जाए तो उसके लिए कितना कुछ करना पड़े, सब कुछ आप त्याग देते हो। जब खेती में अनाज पाने की इच्छा होती है तो सर्दी गर्मी बरसात देखते हैं आप, सब में भीगते भीगते काम करते रहते, क्योंकि आपको फसल की चिंता है कि हमको फसल मिलेगी, उस फसल के लिए चाहे भीगना पड़े, धूप में खड़ा रहना पड़े, सर्दी में मतलब यानी जाड़े में, लेकिन हमको फसल चाहिए,
ऐसे जिन प्रेमियों के अंदर ये इच्छा है कि हमको मुक्ति चाहिए, तो वो भक्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते और वो इस मुसीबत को कुछ नहीं समझते। जो ये